मेरी चाची की मम्मा ही उन्होंने मेरा अमृत खड़ाया तो कहते मेरे चर्च जा चर्च तो कहते किसी के घर का खाना नहीं मतलब कि गुरुद्वारे मंदिर नहीं जाना जो तो श्री साहब पाया ये तो चर्च में खिलवाया या घर खोलिया घर ही सत श्री अकाल पंजाबी लोक चैनल देख रहे हो मैं संसारदीप सिंह पिछले काफ़ी दिनों तो पंजाब दे विच धर्म परिवर्तन होने के मामलों के लगातार वाधा होंदा जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई गुरसिख परिवार किसी होर धर्म के अपना धर्म परिवर्तन कर लेंदे ने जिस तो बाद सिख कौम की सिरमौर धार्मिक संस्था मनी जाती श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपर भी वड्डे सवाल खड़े होंदे ने पर इस दे बावजूद भी यह धर्म परिवर्तन का सिलसिला रुकण का नाम नहीं लै रहा। हुण पठानकोट के पिंड जैनी दे विच एक मामला सामने आया जिथे 14 साल की एक गुरसिख नाबालग बच्ची दे धर्म परिवर्तन होने का मामला सामने आया। दरअसल बच्ची दे वल्लों इल्जाम अपने ही रिश्तेदार दे उपर लगाए गए हैं कि उन्होंने वल्लों उस नूं चर्च दे विच ले जाया जांदा जिथे उसका धर्म परिवर्तन करवा दिता जाता है। इत्थों तक कि चर्च के जाण तो पहला उसके पाई हुई श्री साहब नूं भी खिलवा दिता जाता है तो अगे तो श्री साहब पाउण तो मनाही कर दिती जाती है तो उन्होंने उस नूं कहा जाता है कि अगे तो किसी भी मंदिर जां गुरद्वारा साहब दे विच नहीं जाना वह सिर्फ चर्च के ही जाएगी। इस तरह के गंभीर इल्जाम जिहड़े ने 14 साल की इस नाबालग बच्ची के वलों अपने ही रिश्तेदारों के उपर लगाए गए हैं की कुछ कहती आ 14 साल की नाबालग बच्ची एक बार उसकी ही जबानी तुम भी सुन लो। मेरी चाची की मम्मा ही उन्होंने मेरा अमृत खड़ाया तो कहते मेरे चर्च जाए उत्ते की होया चर्च में की गलबात हुई चर्च तो कहते किसी के घर का खाना नहीं मतलब कि गुरुद्वारे मंदिर नहीं जाना सिर्फ चर्च ही। तुसी घर गल कीती सी इस बारे नहीं जो तो श्री साहब पाया था ये तो चर्च में खिलवाया या घर खोलिया घर ही उन्होंने खोलने वास्ते गया सी या आपे खोलिया उन्होंने कहा है कि ये पाके नहीं जाते चर्च किसी के घर रोटी पानी नहीं खाते नहीं प्रसाद वगैरह गुरुद्वारा साहब जाते हो नहीं नहीं उन्होंने कहते तो मना किया या आप ही नहीं जा रहे हैं उन्होंने कहा है कि अगर चर्च जाते हो तो उत्थे नहीं जाते गुरुद्वारा साहब जा किसी के घर तो खाने पीने तुम अज क्यों नहीं पाया श्री साहब हूँ खोलते बच्ची की जबानी तुसी ने सुना किस तरह के नाल उसके वलों गंभीर इल्जाम जिहड़े ने अपने ही रिश्तेदारों के उपर लगाए गए ने। इस मामले के सामने आने तो बाद सिख जथेबंदियों के विच काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा वह बच्ची का समर्थन करन दे लई ते इस मामले के खिलाफ कार्रवाई करवाउण दे लई संबंधित पुलिस थाने के विच पहुंचियां ते उन्होंने वलों पुलिस नूं कार्रवाई करन दे लई कहा गया जिस तों बाद सिख जथेबंदियों के वलों पुलिस वालों की जा रही कार्रवाई से संतुष्टि जाहिर करते हुए पत्रकारों के नाल गलबात करते हुए कहा कि इस तरह के धर्म परिवर्तन लगातार जबरदस्ती किए जा रहे हैं जिस तों बाद पुलिस को सख्त तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए की कुछ कहदियां ने बच्ची के समर्थन के आई सिख जथेबंदियां एक बार उन्होंने जबानी तुम भी सुन लो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास जथेदार धन गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी पठानकोट अज साढ़े कोल एक बच्ची का मैटर आया सी जिस विच बच्ची का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया ईसाई धर्म वालों उस दो तीन बजे चर्च ले जाके उसकी शेर साहब उतारी गई जिस दे मुद्दे ते सारे वीर वख-वख संप्रदावां दे वख-वख जथेबंदियां दे इत्थे पुजे ने ते DSP रजिंदर सिंह मनहास नूं दिखाया पूरी गल उन्हें अगे रखी गई तो उन्होंने बड़े ही सुचजे ढंग नाल पूरे परिवार की गल सुनी जथेबंदियां की गल सुनी और आश्वासन दवाया कि इन्हां ते जो भी कार्रवाई की जल्द तो जल्द की जाएगी और मौके पर उन्होंने 295A का परचा दर्ज किया जी जिस दे अकॉर्डिंग जो पीड़ित परिवार है उसनों राहत मिली और कसूरवार उन्होंने बिल्कुल तो सख्त एक्शन लेंदे हुए उसनों जेल में सटा गया। इस मामले के सामने आने तो बाद हुण पुलिस दे वल्लों उस महिला नूं गिरफ्तार कर लिया गया जिस पर उस बच्ची दे वल्लों गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। पुलिस ने दस्सिया कि उन्होंने वल्लों तुरंत कार्रवाई करते हुए उस महिला नूं गिरफ्तार कर लिया गया तो इस मामले की जाँच करते हुए उन्होंने वालों 295A धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया तो हूँ इस मामले की अगली जाँच उन्होंने वालों की जाएगी की कुछ कहते हैं इस मामले की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी एक बार उन्होंने जबानी तुम भी सुन लो। देखो सानू अज एक इनफॉर्मेशन मिली सी और उस तो बाद जी मदई है साड़ी मैडम परमजीत कौर वो पुलिस स्टेशन आई उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि मेरी बेटी है अमरजीत जिद कि 14 साल है और 10वीं क्लास पढ़ती है हुन अमृत छकिया होया और अपने नानके
गई हुई सी तो उन्हों की एक रिश्तेदार है जिसका नाम राणी है वोनू चर्च लैके जाती सी तो मतलब कि मिसगाइड करती सी भी तू धर्म चेंज कर लै वो श्री साहब तरवाता उन्होंने कहती भी तू गुरुद्वारे नहीं जाना मंदिर नहीं जाना तो होर तरह के कई तरह के वो प्रैशर या उन्होंने क्योंकि बची सी उन्होंने प्रैशराइज या मिसगाइड करने की कोशिश करती सी वो ये गल सारी उन्हें अपनी मदर नूं दसी तो मदर ने आके साडे पुलिस को बयान लिखाया सो आप राणी के अगेंस्ट जी एफ आई आर दर्ज कर रहे हैं तो उन्होंने अरैसट करके कोर्ट च पेश किया जाएगा। सर की मामला दर्ज कर रहे हैं? आप फिलहाल 295 ए आई पी सी का मामला दर्ज कर रहे हैं। कोई अरैसट पाई है? हाँ बिल्कुल, सानू अपन लेडी नू एप्रीहेंड कर लिया तो अरैसट पा के सवेरे कोर्ट च पेश करांगे।